राजस्थान में 28 मई तक हम 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। जहाँ तक वेस्टेज का सवाल है, 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है, और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमत किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर एक स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स हैं वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद, चाहे वो यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्सली यूज्ड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं, और इनमें से यूज्ड और पार्सली यूज्ड वाइल्स का बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के तहत निस्तारण किया जाता है, तथा अनयूज्ड वाइल्स को निर्धारित तापमान पर संग्रहित किया जाता है। जहां तक जिलों में वैक्सीनेशन का सवाल है, उसमें हमारे अधिकांश जिलों में जो वेस्टेज है, बाड़मेर में 12.04 है, सवाई माधोपुर में 7.41 है, जयपुर में 5.76 है, पाली में 3.5 है, जोधपुर में 3.01 है, दौसा में 2.78 है, नागौर में 2.7 है, डूंगरपुर में 2.59 है, करौली में 1.77 है, बारा में 1.76 है, बूंदी में 1.75 है, और श्रीगंगानगर में 1.41 है, टोंक में 0.45 है, बीकानेर में 0.14 है, सिरोही के अंदर 0.07 है, और झालावाड़ में माइनस, मतलब हमने जितनी वाइल्स मिली थी, हमको डोज मिली थी, उससे ज्यादा लोगों को डोज लगाई है। तो झालावाड़ में, राजसमंद में माइनस में है 0.01, और भीलवाड़ा में भी माइनस में है 0.24। इसी प्रकार बांसवाड़ा में भी माइनस में है 1.58, और इसी प्रकार जयपुर सेकंड में भी माइनस में है 1.93, और झुंझुनू में -2.17, और उदयपुर में -7.15, और प्रतापगढ़ में -7.83, और जैसलमेर में -20.25। यानी कि वेस्टेज जो पूरे राजस्थान में है उसका एवरेज लिया जाए तो 2% से ज्यादा राजस्थान में वेस्टेज नहीं है। और जिस ढंग से टीकाकरण के पश्चात पीले बैग में, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसमें इनको वाइल्स को जो जो यूज हो चुकी है, जिनको वैक्सीनेट किया जा सकता है, उनको पीले बैग में डालते हैं। एक वाइल को जब खोलते हैं तो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार उसमें 10 व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। अगर 8 व्यक्ति वैक्सीनेट हो गए और 4 घंटे तक दो और नहीं आए तो वो वेस्टेज में ही रहती है, उसको हम प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर किसी काम की वैक्सीन रहती नहीं है। इसलिए जो भी वेस्टेज होता है वो जो भारत सरकार का 4 घंटे तक खुलने के बाद वाइल उपयोग में लेने का जो निर्देश है उसी के तहत ये 2% वेस्टेज भी है।